मानव जीवन में अध्यात्म के साथ ही जीवन के हर पड़ाव पर नई दिशा देने में भारतवर्ष की प्राचीन सनातन संस्कृति और ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित तथा विश्व कल्याण को समर्पित इस गौरवशाली विरासत के मूल में पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद् गीता एवं रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर स्थित गीता प्रेस धार्मिक ग्रंथों एवं पुस्तकों का सबसे बड़ा प्रकाशन है। गोलोकवासी सेठ जय दयाल गोयंदका जी, हनुमान प्रसाद बोद्दार जी, घनश्याम दास जलान जी ने सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने एवं इन ग्रंथों के शुद्ध और प्रमाणिक पाठ सर्वसाधारण को सुलभ कराने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस की स्थापना की थी। विगत 100 वर्षों से गीता प्रेस अनवरत इन ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने में अतुलनीय भूमिका निभा रहा है। शायद ही देश में कोई ऐसा सनातनी परिवार होगा जहां गीता प्रेस की पुस्तकें न हो। श्रीमद् भगवद् गीता, रामचरितमानस, रामायण, पुराण, उपनिषद, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास के साहित्य आदि एवं मासिक पत्रिका कल्याण सहित 15 भाषाओं में 1800 से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन यहां से किया जा रहा है। मासिक पत्र कल्याण की प्रकाशित प्रतियों को जोड़कर अब तक लगभग 93 करोड़ पुस्तकों ने पाठकों का मार्गदर्शन किया है। गीता प्रेस के ग्रंथ और पुस्तकें बाल्यकाल, युवावस्था और प्रौढ़वस्था के साथ ही व्यक्तिगत, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में मार्गदर्शक बनकर उभरी हैं। श्रीमद् भगवद् गीता तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों की 2900 से अधिक पांडुलिपियां गीता प्रेस के अभिलेखागार को शोभायमान कर रही हैं। इन ग्रंथों के न्यूनतम मूल्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले संस्करणों के प्रकाशन के साथ आज गीता प्रेस गौरवशाली सनातन विरासत के प्रचार प्रसार में तत्पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रमुख है। भारत का एकमात्र स्वदेशी प्रकाशन संस्थान जो विगत 100 वर्षों से बिना किसी विज्ञापन अथवा अनुदान के संचालित है। भारतीय समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में अद्वितीय योगदान के लिए गीता प्रेस को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज गीता प्रेस की स्थापना के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गौरवशाली उपस्थिति में यह समारोह जनमानस सनातन संस्कृति के उपासकों को नई ऊर्जा और नई दिशा देगा। भारतीय संस्कृति का बढ़ाया मान, सनातन परंपरा को दी नई पहचान।